इनको थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन काम का जज्बा, लोगों की मदद करने का जज्बा उनको यहाँ तक खींच करके लाया, ये भी इस पूरी टीम के साथ आए और कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कहेंगे यही कि मदद करना एक धर्म है और हमें पता है कि दिखता नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होता है, वही चीज है कि जैसे भूख लगती है तो क्या प्रॉब्लम होता जी, है जी। तो यही हम मदद करना चाहते हैं कि जितना हो सके वो मदद की जाए। ऐसे लोगों को दिल से सलाम है जिनका जज्बा देखिए, अगर किसी को दिखाई कम दे, दिखाई नहीं देता हो तो वो बताइए, वो अपना आराम करेगा, घर में रहेगा, लेकिन उन्होंने बोला जैसे दिखाई कम देता है उसी तरह से भूख भी लगता है, तो अगर मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसे हालात में भी, तो वो उसकी मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए खुद आए हैं। ऐसे लोग देश, ऐसे लोग दुनिया में हैं जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। ऐसे नेक इंसान को की तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो है मेकिंग द डिफरेंस टीम के हिस्सा है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा रोड अस्मिता क्लब के पास। ये जो देख रहे हैं आप मेकिंग द डिफरेंस की टीम है जो राशन किट बांट रही है। हमने इनसे कहा था कि मीरा रोड के कुछ वॉचमैन हैं जिनको राशन की ज़रूरत है और अगर हो सके तो उनको राशन दें। तो ये पूरा एक टेम्पो जो है राशन भर के मेकिंग द डिफरेंस की टीम आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो वॉचमैन है जो लॉकडाउन जब रहा था, जब लॉकडाउन था पूरा, तो हर तरह की सर्विस बंद थी, लेकिन इन वॉचमैन ने अपने जान पे खेल करके सुबह पानी छोड़ना, लाइट चालू करना, फिर सिक्योरिटी का यानी कौन आ रहा है जा रहा है बाहर, वो सारा चीज़ देखना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे जो यहाँ से लेके वहाँ तक जो है ये पूरे वॉचमैन लोग हैं, ये बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए हैं। ये अगर मैं इधर भी दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आपकी, ये सब कहीं ना कहीं बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए हैं। और ये देखिए मेकिंग द डिफरेंस की टीम किस तरह से जो है यहाँ पहुँची हुई है, और वो एक एक को जो है आटा है, चावल है, नमक है, तेल है, ये सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट दे कर रही है। ये देखिए कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े व्यवस्थित तरीके से जो है ये मेकिंग द डिफरेंस टीम के दीपक विश्वकर्मा जी हैं, फाउंडर मेंबर हैं। तो इन्होंने पेंडेमिक में जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है लोगों को राशन किट बांटा है, राशन से मदद किया है। और ये सिटी हेडलाइंस की गुजारिश पे हमने इनसे कहा था कि कुछ वॉचमैन को जो है राशन की ज़रूरत है, तो आप उनको राशन देने की, राशन प्रोवाइड करवाइए। तो ये बड़े अच्छे हैं ये लोग, देखिए खुद से आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है और पूरी टीम एक एक को करके जो है ये पूरा राशन बांट रही है। हमारे साथ हैं यहाँ पे देखिए आप दीपक विश्वकर्मा जी। दीपक विश्वकर्मा जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा खाली। सबसे पहले तो दीपक जी थैंक यू सो मच कि आपने सिर्फ मेरे एक बोलने पे कि कुछ वॉचमैन को जो है राशन की ज़रूरत है और आप जो है बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए, पूरी एक गाड़ी राशन लेके पहुंच गए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको जैसे ही सिटी हेडलाइंस ने आवाज़ दी और आप जो है इनकी समस्या को देखते हुए जो है आप राशन, ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में भी ये लोग अपनी पूरी ड्यूटी करते रहे, जैसा कि हर बिल्डिंग में आप देखेंगे कि पानी को छोड़ना सुबह में, कोई आए नहीं जाए नहीं, तो इनको बाहर गेट पे ही रहना पूरा लॉकडाउन होने के बावजूद भी। क्या कहेंगे इनके बारे में? सर, मैं पहले तो सिटी लाइन्स का बहुत 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 धन्यवाद करूँगा कि जो जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, हमें इस चीज़ से अवगत कराया कि ये भी एक वर्ग है जो हमसे छूट गए थे। इन्होंने कोरोना काल में जितना भी कोरोना के टाइम था, इन्होंने बड़े ही शिद्दत से, बड़ी ही मेहनत से ये परेशानी को झेलते हुए इन्होंने अपनी ड्यूटी की। उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए था, वो हमसे मिस हो गया था, लेकिन आपने हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कहने पे हम आज लेके आए हैं, जितना भी आपने क्वांटिटी बोला उससे ज़्यादा ही लाया है ताकि सबको मिल जाए जी, जी। और बहुत खुशी हो रही है सर इनकी भी मदद करके हुए। चलिए थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, ये एक कतार से अगर ये दिखाए मैं विजुअल, तो ये देखिए एक कतार से जो है सारे वॉचमैन लोग लगे हुए हैं और ये सब जो है कहीं ना कहीं मेकिंग द डिफरेंस की टीम है। तो दोस्तों, इन वॉचमैन का कोरोना काल में बड़ा योगदान रहा है और कहीं ना कहीं हम कहेंगे इनका भी अपना परिवार है। ये लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे इनका जो है एकमात्र साधन है कि बिल्डिंग की सुरक्षा करना, और उसी के जरिए इनका घर चलता है, इनका भी घर परिवार है। और ऐसे वक्त में जो है राशन की ज़रूरत इनको भी है, क्योंकि हर कोई पीड़ित है, हर कोई परेशान है। तो ये वो वर्ग है जो वर्ग की सेवा जो है कंटिन्यू चालू है।
तो इसलिए हमने मेकिंग द डिफरेंस से बात की थी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेकिंग द डिफरेंस टीम यहाँ पे आके इन लोगों को राशन प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों ये भी एक वॉचमैन है, हरीश है, यंग है। आज मेकिंग द डिफरेंस की टीम जो है आप लोगों को राशन बांट रही है। आप लोग जो है हमेशा कहीं ना कहीं जो है अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाते रहते हो, क्या कहोगे इनके बारे में? मैं पहले तो मैं सिटी हेडलाइन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि हमारे वॉचमैन लोग को जितने के पास राशन नहीं था वो लोग के पास राशन पहुँचाया है, और ये पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना में कैसा हाल था तुम लोगों का? यार मुश्किल है साहब, क्या करेगा, पानी देखना पड़ता है, लाइट बिल भरना, पानी का बिल भरो, ये सब सारा काम करते रहे, और कहीं ना कहीं तुम लोगों को भी परेशानी होती। धन्यवाद। जो ये लोग जो कर रहे हैं हमें, हमारे के लिए इन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं। हम लोग बहुत परेशान रहते, दिन कटा रहे थे, तो अभी एक कोरोना महामारी चल रहा है, इस समय बहुत तकलीफ थे हम लोग को, बराबर पैसा नहीं मिलता था, अभी जो पगार है बाहर का काम नहीं कर पाते थे हम लोग, और ये गाड़ी साड़ी धोने का ये भी नहीं कर पाते थे हम लोग, बाहर का जो दुकान सफाई करने का इस तरह जो खर्चा रहता है ये भी नहीं कर पाते थे हम लोग, ये सब अभी बराबर चल नहीं रहा था, ये पगार से भी पूरा खाने नहीं मिल रहा था बोलिए, तो अभी जो राशन मदद के लिए आप लोग जो किया है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग अपनी ड्यूटी जो है इस कोरोना काल में भी पूरी तरह से निभाते हुए हाँ, जो पेमेंट बचता नहीं है हाँ। इतना मिलता है उससे और ज्यादा खर्चा हो जाता है, कर्ज भी हो जाता है, तो वो सब राशन लेके जा रहे हैं। अच्छे बोलेंगे ना सब, हम लोग को गरीब लोग देख रहे हाँ। गरीब लोग को बांट रहे हाँ। अच्छा बोलेंगे ना, ये बोलेंगे अभी आप लोग का भला हो जाए, हम लोग अच्छे बनेंगे, ये लोग को अच्छे भले हो जाए, ऐसे बनेंगे, हम लोग गरीब है, हम लोग खाने के लिए नहीं। तो दोस्तों ये देखिए मेकिंग द डिफरेंस की टीम ने जो है सबको राशन कहीं ना कहीं बांटा, ये देख रहे हैं सब लोग राशन लेकर के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पटेल आप क्या कहेंगे, ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं मेकिंग द डिफरेंस की टीम, आज मीरा रोड के नया नगर इलाके में ये लोग राशन बांट रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने जो काम किया बहुत ही बढ़िया किया, कि सब लोगों ने लोगों को बांटा, लेकिन वॉचमैन जो है जो इनको मदद करने वाला कोई नहीं था, ना लॉकडाउन में था ना अभी भी है, तो इस जो कमेटी ने जो ये काम बहुत बहुत बड़ा काम किया है, कि लोगों को जो वॉचमैन है जो रात दिन मेहनत करते हैं, इनको जो कॉपरेट किया, इनको जो हालात देखे, इनकी जो समस्या हल की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। दोस्तों ये भी मेकिंग द डिफरेंस टीम की एक मेंबर हैं, क्या नाम है आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग कोरोना काल में, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? स्पेशली तो माय नेम इज़ लविशा आशीष गुप्ता, एंड फॉर मैसेज फॉर ऑल इज़ लाइक कि ये टाइम पे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी, बहुत ही अच्छा लग रहा है जुड़ के, काम हो रहा है, हम सबको यहाँ पर किट्स दे रहे हैं, आई फील के जो ये सब हो रहा है ना दैट इज़ लाइक रियली वेरी गुड, जो होना चाहिए था पहले से भी करते आ रहे हैं, थोड़ा लेट ज्वाइनिंग किया मैंने, बट देर आर दुरुस्त है, डूइंग अ गुड वर्क, सो एम थैंकफुल कि मैं इस टीम के साथ हूँ यहाँ पर, डूइंग दिस ग्रेट वर्क, गॉड ब्लेस, वेरी थैंकफुल फॉर दैट, थैंक यू सो मच। ये देखा हुआ है कि वॉचमैन जो है अपना काम लॉकडाउन हो या कुछ भी हो वो हमारी रखवाली करते रहते, वो हमारा ध्यान रखते रहते हैं, बट उनके तरफ कहीं पे नज़र नहीं गई हुई है, जैसे कि आज हमने जो है जितने भी वॉचमैन हम कर पा रहे उनकी मदद, उनको जो है राशन देने की मदद कर रहे हैं, और अच्छा भी फील होता है इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। वॉचमैन के लिए ये बोलना चाहूँगा, रात दिन मेहनत करते हैं, पूरी नाइट भरे अपन सोते रहते घर पर, वो उनका काम करते रहते, पूरी नाइट जग के करते, आज उनके लिए आपकी तरफ से सिटी हेडलाइंस की तरफ से आया था कि उनको कुछ मदद कीजिए, और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम उनकी भी मदद करें। नहीं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये सेक्टर जो है कोरोना काल में मैंने देखा कि ये लोग जो है कंटिन्यू काम करते रहे, कंटिन्यू काम करते रहे, तो मुझे लगा कि अगर इन तक कुछ राशन पहुँचाया जाए, तो इसीलिए हमने इनके तकलीफ को देखा और आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया, और आप लोग आए तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा। जी हम भी आपके जरिए इनकी मदद कर पाए, और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू सो मच। कैसा लगता है लोगों की सेवा करके? सर ये बहुत बड़ा काम है एक्चुअली, लोगों की सेवा करना, उनके मतलब ज़रूरत की पूरी करना, मतलब उसको कोई फीलिंग उसका नहीं है, बता नहीं सकती कि क्या लगता है वो, मतलब अनखास फीलिंग होता है ना वो होता है मतलब हेल्प करके। चलिए बहुत अच्छी बात, हमारा तो यही उद्देश्य है कि जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम जाए, और कोई भी हिंदुस्तानी भूखा ना रहे, हमसे हो सकता है उतना हम मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच।
मैडम आज वॉचमैन को आप लोगों ने सर्विस दी है, वॉचमैन तक राशन पहुंचाया है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि वॉचमैन का नाम क्यों नहीं आ रहा है, पर जैसे ही मीत ने कल बोला कि वॉचमैन को देना है तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलो इनका भी ख्याल रखा गया है।